हेलो नमस्कार आदाब नमस्ते। जैसे कि आपको आप लोगों को पता है कि दिल भर तेरे प्यार में आशा टैकीज़ में 6:30 का शो अभी कंटिन्यू चालू है सेकंड वीक में। तो अभी इस वक्त जैसे कि मेरा हर दिन मेरा चक्कर होता है कि थिएटर में कौन आए, कितने लोग आए देखने के लिए, तो अभी मुझे पता चला कि कल एक बंदा फिल्म देख के गया, आज उनको पता चला कि मैं आज यहाँ पर आया हूँ। जैसे उनको पता चला वो मुझे वापस मिलने के लिए आए, तो आइए मिलते हैं उनको, कल फिल्म कैसी लगी उनसे कुछ बात करते हैं। तो क्या नाम तुम्हारा? इमरान शेख, सोलापुर से हूँ। अस्सलाम वालेकुम और रहमतुल्लाहि बरकातुहू। ये जो मूवी देखा है मैंने कल, मेरे को बहुत अच्छी लगी। और जो उनका कैरेक्टर था, जो फर्स्ट फिल्म है सोलापुर की फिल्म, तो सपोर्ट तो करना चाहिए, बनता है सपोर्ट हमेशा करना ही चाहिए, क्योंकि इन्होंने मूवी में जो काम किया है इनके अंदर मेरे को एक अच्छा लगा, जो इन्होंने खुद बोला है नफरत से भी मोहब्बत करता हूँ, ये जो मेरे को डायलॉग बहुत अच्छा लगा। और इसके अंदर डायलॉग ऐसा, मैं नफरत भी मोहब्बत से करता हूँ, तो ज़रा सोच के देखो मैं मोहब्बत कितनी मोहब्बत से करता हूँ, ये बहुत अच्छा लगा डायलॉग। और मेरे को इनकी एक मूवी जो चला है दिलबर तेरे प्यार में, तो आप भी इसका मज़ा लीजिए, ज़रूर देखिए और लाइक शेयर कमेंट भी कीजिए। नहीं, ये बताइए कि इसमें कंसेप्ट कैसा लगा आपको? कंसेप्ट बहुत अच्छा लगा, और जो इनका काम था बहुत अच्छा था इसके अंदर, मुझे बहुत अच्छा लगा। कल इनके लिए मैं आया था मिलने के लिए, तो इन्होंने नहीं आए थे, मेरे को बहुत अच्छा लगा मूवी। अच्छा, ये सोलापुर के लोगों को ये फिल्म देखना चाहिए? नहीं देखना ज़रूर चाहिए, क्योंकि हर सोलापुर बंदे को देखना चाहिए ये फिल्म। जैसे कि इसमें स्पेशली ऐसी कौन सी क्या खास बदले की, हीरो है, हीरोइन है, विलेन है, सॉन्ग है, तो सॉन्ग कैसे लगे आपको? सॉन्ग तो बहुत अच्छे लगे दोनों, दिलबर तेरे संग तेरे प्यार में, और वो एक और दूसरा भी है जो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे कि अभी मुझे पता चला कि ये लोग इन्हीं जो यहाँ पर आए, इनका मोटिव ये है कि हमारा एक सॉन्ग है एक बार कह दे तो आई लव यू, वो सॉन्ग के ओरिजिनल ट्रैक चाहते हैं, उसको डीजे बनाना चाहते हैं उन्होंने। तो डीजे कैसे बनाएंगे, क्या है? बनाऊंगा, मेरे को जो ऐसा म्यूजिक उसको मैच करूंगा उसी हिसाब से मैं बनाऊंगा, लेकिन वो बनाऊंगा ना तो मैं खुद बोलूँगा कि वो रोड शो पे बजेगा सोलापुर सिटी में, क्या यहाँ भी बजेगा, और एक्चुअली जहाँ सिटी पब्लिक सिटी जहाँ पिंकी नहीं वहाँ पे भी बजेगा, ज़रूर बजेगा। चलो अच्छा, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि एक बंदा मुझे वापस अपने सॉन्ग के ट्रैक के लिए आया था कि वो सॉन्ग को डीजे बनाऊंगा, गाना बहुत पसंद आया उनको। चलो देखते हैं, जैसे कि इनका कहना है और मेरा भी कहना है कि सोलापुर की ऑडियंस यार फिल्म एक बार ज़रूर देखना चाहिए। हाँ, फिल्म देखने के बाद अगर आपको फिल्म से पसंद नहीं है जब आप हमें कमेंट कीजिए, पर आपको एक बार फिल्म देखेंगे तो आपको फिल्म ज़रूर पसंद आएगी।